आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। नासीरो हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। ये जो हनुमान जी की चौपाई है इसे आप माला पर जप भी सकते हैं मंत्र की तरह, जब आप संकट में हो शारीरिक या किसी भी प्रकार के अन्य संकटों में। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ 12 सितंबर 2023 की देती हूँ ढेर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आज चंद्रमा कर्क राशि में है रात्रि 11:07 तक, उसके बाद सिंह राशि में नक्षत्र है बुध का अश्लेषा रात्रि 11 तक। आज भौम प्रदोष है, मंगला गौरी पूजन है। जो प्रदोष का व्रत मंगलवार के दिन आता है उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। बच्चों की भलाई के लिए ये व्रत किया जाता है। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा। गुरु के वक्री होने का एक ऑल ओवर दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु के मेष राशि, गुरु की दृष्टियों के कारण आपके बौद्धिक स्तर पे काम बन सकते हैं, काम मिल सकते हैं और साथ साथ आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश खत्म हो सकता है। वृषभ राशि, तबीयत पहले से बेहतर हो सकती है, ये भी याद रखें कि आपके लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं, धन आ सकता है। मिथुन राशि, आपके लिए गुरु का वक्री होना ये बच्चों की फरमा बरदारी में देखा जा सकता है या इसके अलावा यात्राओं में काम हो जाना, विवाहित जीवन में सुख मिलना, संतानोत्पत्ति या विवाह के लिए मदद। कर्क राशि, आपके लिए अब गुरु वक्री हुए तो गुरु आपको सपोर्ट कर देंगे प्रॉपर्टी लेने में, गुरु आपके लोन्स वगैरह दिलवा सकते हैं और साथ साथ में पैसा ला सकते हैं। सिंह राशि, आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि आपको पूर्ववत खंबीर धीर बनाती है और साथ साथ आपके बच्चों से सपोर्ट दिलाती है और आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो यात्राओं में तो खत्म होती है। कन्या राशि, आपको सावधान रहना है तबीयत को लेकर और परिवार की बातों को लेकर। याद रखें कि आपको विदेश रिलेटेड काम बनते नजर आएंगे, फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, खर्चे संभल के करने हैं और माता पक्ष से सपोर्ट। तुला राशि, गुरु के वक्री होने पर थोड़ा सा आपका वजन बढ़ सकता है, थोड़ा आपको शुगर से बचना है, अदरवाइज आपकी पर्सनैलिटी निखर जाएगी, यात्राओं में आपको आराम मिलेगा, धन की व्यवस्था होगी। वृश्चिक राशि, कामकाज बढ़ेगा लेकिन धन भी आने की पूर्ण संभावना है और साथ में याद रखें कि आपके कुछ ऐसे काम जो विदेश से रिलेटेड हैं अटक सकते हैं। धनु राशि, लग्न पर गुरु की दृष्टि है, आप सात्विक सुज्वल अच्छे बच्चे हुए हैं, लग्न पर गुरु की दृष्टि है, आपके सब काम बन रहे हैं, पर्सनैलिटी बढ़िया हो रही है लेकिन मन बेचैन है, टेंशन है आपको पैसों की, उसको ध्यान से देखिए कि काम कैसे हो सकता है। मकर राशि, आपके लिए अब गुरु की स्थिति प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करवा सकती है लेकिन बहुत किचकिच के साथ, पिता का सहयोग आपको चाहिए जो कम मिलेगा और साथ साथ तबीयत अच्छी हो सकती है और विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए अब गुरु की यह दृष्टि धन ला सकती है और आपके कुछ ऐसे काम जो विवाहित जीवन के साथ मिलकर करने थे वो होंगे और आपके वो काम भी होंगे जो आपको यात्रा में लेकर जाने के साथ होने थे लेकिन तबीयत संभालिएगा। मीन राशि, आपके लिए कई सारे काम गुरु जो है बना सकता है आपके कार्यस्थल पर, आपकी तबीयत का आपको फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा, शुगर मोटापे से बचना पड़ेगा, तबीयत को संभालते हुए दूसरी बात यह है कि आपको लोन नहीं लेना है न देना है। वृश्चिक राशि वालों, आप बड़े ही धीर गंभीर मन में बात रखने वाले, एक कभी कभी आपका मन जो है अंदर से लोगों के प्रति कलुषित हो जाता है, वो ना करें अगर आप तो आप सबके लिए अच्छा ही करेंगे और अपने लिए खुद ज़्यादा अच्छा करते हैं और अपना काम बड़े जोर शोर से करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिए। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आइए हम जानते हैं कि गुरु की दृष्टि यहाँ किसको बहुत ज़्यादा अच्छा फल दे रही हैं,
तो वो मेष राशि वाले हैं जिनको बहुत अच्छा फल दे रही हैं, और गुरु की दृष्टियाँ साथ में अच्छा फल दे रही हैं मिथुन राशि वालों को, यही गुरु की ये दृष्टियाँ अच्छा फल दे रही हैं सिंह राशि वालों को। तो ये तीन राशियाँ मुख्य हैं जिनको बहुत अच्छा फल मिल रहा है, और भी राशियाँ हैं। अगर मैं बात करूँ तो वृश्चिक राशि वालों को भी बहुत अच्छा फल मिल रहा है, और साथ साथ कुंभ राशि वालों को भी बहुत अच्छा फल मिल रहा है। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से कह देती हूँ। राहुल जी प्रयागराज से लिखते हैं कि शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, नंबर दिया है 9। शादी के बाद आपका जीवन कर्मठता पूर्वक काम करने वाले व्यक्ति के साथ गुजरेगा, वो बहुत ही ज्यादा दिल का अच्छा या अच्छी होगी। अगर आप उसके साथ बहुत ही ज्यादा नेक रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, तो वो आपकी सेवा में रत रहेंगे। हो गया जी, इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर।